हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आपका साइंस फैकल्टी, और आज हम अपना यहाँ पे साइंस का एमसीक्यू सेशन 10 करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सेशन नंबर 10 होगा आज का आपका, और आज जो का जो टॉपिक होगा, आज हम केमिस्ट्री पे अपना ये सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री पे आज आपका सेशन होगा। और क्या होगा आज आपका टॉपिक? आज का आपका टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड पॉलीमर्स आज आपका टॉपिक होगा। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। ठीक है, और हम अपनी क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार पॉलीमर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग आ जाएंगे ऑनलाइन, जो भी बच्चे लाइव हैं, और फिर अपना ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ अकेला क्वेश्चन रहेगा हर बार हमेशा की तरह, उसमें क्या रहेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी उसके अंदर रहेंगी। ठीक है, तो मैं सारी चीजें साथ में ही डिस्कस करता चलूंगा। ऑलराइट, चलिए तो अभी शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, पहला आपके सामने यहाँ पे है, पहला आपके सामने ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिक्सचर ऑफ CaCN2 का होल ट्वाइस एंड कार्बन इज नोन एज। ठीक है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसको आंसर करेंगे। चलिए फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, जो भी बच्चे हैं प्लीज वीडियो को शेयर करिए और लाइव चैट में आकर के जरूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने मिक्सचर ऑफ CaCN2 का होल ट्वाइस, है ना, CA साइनामाइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड कहते हैं इसको, और इसका इसका मिक्सचर विद कार्बन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं इसको? पहला ऑप्शन है कृष्णा पाठक ए ऑप्शन, नाइट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा है NPK, या फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर करेंगे इसको सभी लोग। चलिए तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल अभी आंसर आने लगा यहाँ पे, देवेंद्र बिष्ट ने आंसर किया ये ऑप्शन, कृष्णा पाठक, बिल्कुल नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाइट्रोलियम ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड और प्लस कार्बन। ठीक है, इसको क्या बनते हैं, फर्टिलाइजर होता है ये, फर्टिलाइजर बनता है इन दोनों को मिलाने से, और उसका नाम क्या दिया गया, नाइट्रोलियम। ठीक है, नाइट्रोलियम क्या है, एक फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर मतलब हिंदी में बोले तो उर्वरक, है ना, उर्वरक। ठीक है, जो खेत वगैरह में यूज होता है फर्टिलाइजर। ऑलराइट, चलिए तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल, जो भी सरला वर्मा भी ए ऑप्शन कर रही है, नाइट्रोलियम। ठीक है, तो नाइट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर। प्लीज एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, और फटाफट आंसर करिए लाइव चैट में आकर के, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और लाइव चैट में आकर के आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कुछ भी, जो भी आपको आंसर लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो तीन इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। ठीक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्या होगा, पहला ऑप्शन लीना सक्सेना कैल्शियम नाइट्रेट, देवेंद्र बोल रहे हैं सी ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट, सरला वर्मा ए ऑप्शन बोल रहे हैं। ठीक है, और लोगों का देखते हैं, और लोगों का आंसर आ जाए पहले। ठीक है, चलिए तो बेसिकली पहले मैं बता दूं कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट इसको इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, ये गलत है, सी ऑप्शन जो करेंगे वो गलत है, ये इंडियन सॉल्ट पीटर है, याद रखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट इज नोन एज इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, और सुरेंद्र चौधरी ये ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो जो ए ऑप्शन कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, चिली सॉल्ट पीटर, है ना, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट इज, ये मैंने पहले भी बताया है किसी क्लास में कि सोडियम नाइट्रेट इज नोन एज चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट इज नोन एज इंडियन सॉल्ट पीटर, और नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को, किसको बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को, CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, तीनों ही चीजें कंफ्यूजिंग है, आप एग्जाम में कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, तो तीनों चीजें याद रखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन अपना देखते हैं हम,
बहुत बढ़िया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स बेसिकली होते क्या है, एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स या ऐसी दवाइयों को कहते हैं जो पेन रिलीवर का काम करें, जो पेन रिलीवर का काम करें, ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो पेन रिलीफ का काम करें, पेन रिलीवर का काम करें, उनको कहा जाता है एनाल्जेसिक्स, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, एनाल्जेसिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में दो तरह के एनाल्जेसिक्स होते हैं, एक नॉन नार्कोटिक या नार्कोटिक। तो उसमें पूछ रहा है कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज कब होता है, ठीक है, इन किन कंडीशन में, कार्डियक पेन में, ठीक है, जब आपके हार्ट में पेन होता है, कार्डियक पेन, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर, या पेन इन चाइल्ड बर्थ, या डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। लीना सक्सेना डी कर रही है, सुमित कुमार भी डी ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द एबव ही इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग्स का, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का कब यूज होता है, जब बहुत ज्यादा हाई पेन हो, जब बहुत ज्यादा हाई पेन, इतना कि आपको मतलब वो एक तरह से कहते हैं ना असहनीय दर्द, मतलब हद से ज्यादा पेन होना, ठीक है। सुरेंद्र चौधरी भी डी ऑप्शन कर रहे हैं, रवि यहाँ पे रवि आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन, बी गलत है, ठीक है। टर्मिनल मतलब ऑल दो सही है बी ऑप्शन भी, लेकिन यहाँ पे तीनों सही है, ठीक है, तो बी नहीं डी ऑप्शन होगा। बाकी तीनों जगह नार्कोटिक ड्रग्स का ही यूज होता है, जब बहुत ज्यादा वेरी हाई पेन, ठीक है, असहनीय दर्द होता है, उस कंडीशन में नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज होता है। ऑलराइट, चलिए, तो तीनों ही जगह पे यूज होगा। और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का कहाँ यूज होता है, जैसे कि फीवर वगैरह में हो गया, आपका नॉर्मल थोड़ा बहुत बॉडी पेन है वहां पे हो गया, ठीक है। तो ये सारी जगह में जहां पे जब थोड़ा बहुत बॉडी पेन या फीवर वगैरह होता है ना, वहां पे कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, नॉन नार्कोटिक, है ना, नॉन नार्कोटिक, ठीक है। चलिए, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्लॉबर्स सॉल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्लॉबर्स सॉल्ट, किसको आंसर करेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्लॉबर्स सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, या नन ऑफ द अबव। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, या नन ऑफ द अबव, इसका आंसर करेंगे फटाफट। और प्लीज वीडियो को लाइक करें सभी लोग, और आंसर जरूर करें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ अपना ऑप्शन भी मैच करें, ठीक है, क्वेश्चन के साथ अपना ऑप्शन भी डालें यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना जरूरी है, जिससे पता चले कि आप किसका आंसर कर रहे हो। लीना सक्सेना फोर्थ का सी, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बोल रही है, कैल्शियम सल्फेट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट गलत है। क्या होगा आंसर इसका, सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो बी कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। सी सभी लोग कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे कृष्ण पाठक भी बोल रहे हैं, विवेक सोनी भी सी कर रहे हैं, ठीक है, और चिन्ना बाबू ए ऑप्शन कर रहे हैं, ए भी गलत है, सी भी गलत है, ठीक है, सुरेंद्र चौधरी ए गलत है, ठीक है, क्या होगा, बी ऑप्शन, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इज नोन एज ग्लॉबर्स सॉल्ट, इसको याद रखेंगे, सो ठीक है, Na2SO4 Na2SO4.10H2O.10H2O, ये क्या होता है, ग्लॉबर सॉल्ट। और इसका यूज कैसे होता है, यूज क्या होता है इसका, यूज इसका क्या होता है, लैक्सेटिव या परगेटिव जिसे कहते हैं ना, परगेटिव्स या लैक्सेटिव्स जिसे कहते हैं, लैक्सेटिव्स, ये किसमें हेल्प करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन में, किसमें हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है, क्लियरिंग ऑफ बाउल, कॉन्स्टिपेशन जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स परगेटिव्स या लैक्सेटिव्स ड्रग्स होते हैं, लैक्सेटिव ड्रग्स किसमें काम आते हैं, लैक्सेटिव ड्रग्स किसमें काम आते हैं, कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ग्लॉबर्स सॉल्ट, ये किस तरह यूज होता है, परगेटिव्स के फॉर्म में यूज होता है, और होता क्या है, सोडियम सल्फेट को ही ग्लॉबर्स सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, या थर्मो पॉलीथीन, पॉलीस्टराइलिन, पॉलीवाइनिल्स, या ऑल ऑफ द अबव, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, या पॉलीवाइनिल्स, और कौन सा है इसमें से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आंसर करेंगे। फिफ्थ का डी ऑप्शन, हाँ विवेक सोनी कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, कृष्णा पाठक भी डी कर रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये तीनों ही थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है, तीनों ही थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनको हीट करने पर
हीट करने पर वो क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, हीट करने पर क्या हो जाए, पिघल जाए या लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाए, है ना, जल्दी से डिफॉर्म हो जाए। क्या कहूं अगर मैं कहूं दूसरे वर्ब में कि डिफॉर्म इजली, डिफॉर्म इजली, ठीक है, जल्दी से वो लिक्विड में चेंज हो जाए, जल्दी से डिफॉर्म हो जाए, कब, जब उनको हीट किया जाए, ठीक है। ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनल्स, तीनों ही क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सिक्स नंबर की, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जांपल्स ऑफ, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जांपल्स ऑफ इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। बेसिकली चारों ऑप्शन क्या है, ये है पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अगर ये चारों ऑप्शन बोले जाए ना, तो ये क्लासिफिकेशन है, इन चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है पॉलीमर्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, चार पार्ट में पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है, इलास्टोमर्स में, फाइबर्स में, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में। लेकिन यहाँ पे पूछा है बेकेलाइट एंड मेलामाइन किसका एग्जांपल है, चलिए लीना सक्सेना, विवेक और कृष्ण पाठक, फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। यहाँ पे मेन का कभी आंसर सिक्स का डी है, ठीक है, तो थर्मोसेटिंग इज द करेक्ट आंसर। थर्मोसेटिंग क्या होता है, बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पॉलीमर होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पॉलीमर होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये क्या होता है, हीट करने पर, है ना, ये क्या होता है, हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता, है ना, इसका सॉफ्टनिंग नहीं होती हीटनिंग से, है ना, अगर ये सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होता अगर इसको क्या किया जाए, हीट किया जाए तो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक तरह से बहुत उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा क्या कहें, माउल्डेड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स इनको कहते हैं। बिल्कुल लेना यहाँ पे करें, विच कैन नॉट डिफॉर्म, बहुत सही है ना, तो काफी उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो वो डिफॉर्म नहीं होता हीट करने पर, ठीक है, तो थर्मो सेटिंग इज द करेक्ट आंसर। सेवन क्वेश्चन आंसर करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का, पहले देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है, सोडियम टेट्राक्लोराइड, स्कैंडियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या वेनेडियम टेट्राक्लोराइड, कहाँ यूज होता है, सॉरी किसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोला जाता है। यूज इसका मैं बता दूं, इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में इसका कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का, ठीक है। इसको कहते क्या है, इसको आंसर करेंगे, ठीक है। चिन्ना बाबू यहाँ पे बोल रहे हैं सेवन का सेकंड गलत है, स्कैंडियम नहीं होगा, ठीक है, चलिए आंसर करेंगे इसको फटाफट, सभी लोग आंसर करेंगे, गैस ही करिए, अगर आपको नहीं लग रहा तो भी गैस करके बताइए कि क्या होगा आंसर, ठीक है। सोडियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या वेनेडियम टेट्राक्लोराइड, क्या होगा, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज द राइट आंसर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूजा शर्मा भी गलत कर रहे हैं, ठीक है, लीना सक्सेना सेवन का डी गलत है, डी भी नहीं होगा, कौन सा होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, है ना, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। बेसिकली हाई डेंसिटी पॉलीथीन में बनाने के काम आता है, ठीक है, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम ये भी याद रखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम एंड जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये दोनों को मिला करके एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, किसमें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के मैन्युफैक्चर में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। चलिए तो क्या होगा आंसर, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विचेस आर मेड ऑफ विच काइंड ऑफ पॉलीमर्स, बहुत कॉमन, बहुत फेमस और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आंसर करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विचेस किस पॉलीमर्स से बनते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस किन तरह के पॉलीमर्स से बनते हैं, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन या ब्यूना एस, किस तरह के पॉलीमर्स से बनते हैं, बेकेलाइट, विवेक सोनी, बिल्कुल सही है, सिंपल सा है ना, बेकेलाइट से, बेकेलाइट से, बेकेलाइट क्या है, एक तरह का थर्मो सेटिंग पॉलीमर है, ठीक है,
क्या है ये, अभी अभी हम लोग पीछे पढ़ा है, ये क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ठीक है। और इसका काम कहाँ आता है, इसका स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में काम आता है। पीवीसी चिन्ना बाबू 8 का 2, 8 का 2, 8 का 2 नहीं, जो भी 8 का 2 कर रहे हैं, कृष्णा और असित है ना, यहाँ पे किरण, सब पीवीसी नहीं है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड नहीं है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड नहीं है, पीवीसी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेकेलाइट से बनते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस किससे बनते हैं, बेकेलाइट से, थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बेकेलाइट, इससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड नहीं है, ठीक है, पीवीसी नहीं है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आंसर इसका नहीं है, ठीक है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ का सभी लोग आंसर करेंगे। विच पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथेलिक एसिड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत फेमस है। क्या बनता है अगर एथिलीन ग्लाइकोल को टेरिथेलिक एसिड से मिलाया जाए, अगर एथिलीन ग्लाइकोल को टेरिथैलिक एसिड से मिलाया जाए तो क्या बनता है। बी ऑप्शन नाइलॉन 66। ना गलत है, आप लोग हर जगह पे नाइलॉन 66 क्यों बनाते हो। नाइलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से बनता है, नाइलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड से बनता है, ठीक है। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मीना दिया, मीना मेनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। पूजा शर्मा बी ऑप्शन, विवेक सोनी ना, ना सी ऑप्शन, टेरिलीन, बिल्कुल टेरिलीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे लीना सक्सेना कर रही हैं, एंड ये कौन है, उद्वाश, उद्वाश भी आंसर सी ऑप्शन ही कर रहे हैं, ठीक है। टेरिलीन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन टेरिलीन किससे बनता है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथेलिक एसिड है ना, टेरिथेलिक एसिड से बनता है, ठीक है। टेरिलीन, टेरिलीन क्या है, एक तरह का पॉलिस्टर है ना, टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर है। अगर एक और बोला जाए कि पॉलिस्टर कौन सा है, टेरिलीन को और क्या है, पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर मतलब बहुत ही फाइन फाइबर्स में, बहुत ही फाइन फाइबर्स में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऊन आपने देखा होगा है ना, क्या यार्न जिसको कहते हैं, यार्न जिसको कहते हैं, या ऊन की गठी देखा होगा आपने है ना, स्वेटर्स वगैरह बनाने में काम आता है, तो वो बेसिकली किससे बनता है, टेरिलिन से है ना, एक तरह का पॉलिस्टर ही होता है ना, वेरी फाइन फाइबर्स में इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेरिलिन इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन आंसर करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अनब्रेकेबल क्रॉकरी। पहला ऑप्शन है नायलॉन 66, दूसरा है ब्यूना एस, तीसरा है ब्यूना एन, फोर्थ ऑप्शन है मेलामाइन। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, नायलॉन 66, ब्यूना एस, ब्यूना एन या मेलामाइन। 10th का आंसर करेंगे, 10th का डी, लीना सक्सेना, मेलामाइन। ओके, चलिए और लोगों का देख लेते हैं क्या आंसर आता है, फटाफट करिए ना, इतना टाइम थोड़ी होता है क्वेश्चन में, इतने इजी इजी से क्वेश्चन है, इतना टाइम लोगे, ऐसा आप लोग टाइम लगा रहे हैं जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हो ये। चलो यहाँ पे पूजा शर्मा कर रही है 10th का डी, चिन्ना बाबू कर रहे हैं 10th का थर्ड, गलत है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। मेनका कृष्णा विवेक सभी डी कर रहे हैं, मेलामाइन इज द करेक्ट आंसर, मेलामाइन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मेलामाइन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में बनाने में काम आता है, ठीक है। और इसका कहाँ पे यूज होता है, ये यहाँ पे किसका यूज होता है, ये किसमें, फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाने में भी यूज होता है, ठीक है, फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाने में भी, फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। और किसमें, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होता है ना, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, तो इस कारण से भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आग मतलब इसमें जल्दी कैच नहीं करती है, ठीक है। और ये क्या क्या है? और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये फ्लोर टाइल्स में यूज होता है ना, अनब्रेकेबल क्रॉकरी तो आपका क्वेश्चन में ही था, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, एक मेलामाइन वर्सटाइल मटेरियल हो गया है ना, कि बहुत ज्यादा जिसका यूज हो, तो इसको याद रखेंगे, मेलामाइन एक पॉलीमर है। मेलामाइन है किसका एग्जाम्पल, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का है ना, थर्मो सेटिंग पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है मेलामाइन भी, बेकेलाइट एंड मेलामाइन किसके एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन आंसर करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, नायलॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है,
पॉलीमर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा बनाए ही जाते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स हमारे नेचर में भी प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमर्स हमारे नेचर हमारे सराउंडिंग में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर करेंगे सेल्यूलोज। लीना सक्सेना 11th का बी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली सेकेंड सेल्यूलोज, बिल्कुल 11th का बी। ठीक है, उद्वास भी कर रहे हैं और विवेक। ठीक है, चलिए, तो सेल्यूलोज बेसिकली क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर होता क्या है? सिंपल सा, जिसे आप कहते हैं कॉटन। ठीक है, सबने देखा होगा कॉटन का पेड़ होता है, कॉटन इज द नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है? इसके पॉलीमर को नाम क्या दिया गया है? इसके पॉलीमर को नाम दिया गया है सेल्यूलोज, है ना। इसके पॉलीमर को ही क्या नाम दिया गया है? सेल्यूलोज। और ये बनता किससे है? लार्ज नंबर ऑफ, ये बनता किससे है? सेल्यूलोज बनता किससे है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट्स, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स से क्या बनता है? सेल्यूलोज। ठीक है, और या तो कॉटन। ठीक है, कॉटन आप नॉर्मल बोलते हो, कॉटन आप नॉर्मल बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे अशित के त्रिवेदी भी 2-2-2-2 लगातार कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेकंड सेल्यूलोज। एक बार भी आप लिखते तो मैं समझ जाता। ओके, चलिए, तो सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर। कॉटन, कॉटन बोलेंगे या कॉटन के फॉर्म में अगर आप इसको केमिकल नाम बोलें तो सेल्यूलोज बनता किससे? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स से। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है कि सेल्यूलोज बनता किससे? ग्लूकोज यूनिट्स से बनता है। ठीक है, या तो फिर हो सकता है सेल्यूलोज की जगह सिर्फ कॉटन लिख देता कॉमन नेम। बहुत बढ़िया, चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पर्ल एस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पर्ल एस। Which one of the following is known as pearlescence? Potassium carbonate, sodium carbonate, potassium hydroxide, calcium oxide. कौन सा इसमें है जिसको pearlescence बोला जाता है? Pearlescence किसको बोला जाता है? चलिए 12th का क्वेश्चन करेंगे आंसर। बिल्कुल 12th का पूजा शर्मा बी पोटेशियम कार्बोनेट, और पूजा शर्मा बी कर रहे हैं किरण कुमार, और सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं उद्वास नाग कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटैश बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक पोटैश। सी ऑप्शन गलत है, इसको कॉस्टिक पोटैश बोला जाता है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर, जो बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 12th का बी विवेक सोनी पूजा शर्मा सही है इनका। ठीक है, और यहाँ पे असित थर्ड कर रहे हैं गलत है, चिन्ना बाबू और लीना सक्सेना डी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे होगा? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है ना, ये तो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं होगा यार, फोर्थ ऑप्शन तो मत ही बोलो आप लोग। ठीक है, क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट इज नोन एज पर्ल एस, पोटेशियम कार्बोनेट इज नोन एज पर्ल एस। ठीक है, चलिए, तो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक पोटैश। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक पोटैश। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विक लाइम। सबके कॉमन नेम है, सबके कॉमन नेम को रटो। ठीक है, सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले इन सबको एक एक बार लेना है सबको, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में रिपीट होती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि ये कई एक बार पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में और हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इन सब चीजों से मिल जाता है, किसी ना किसी चीज का कॉमन नेम। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड तो बहुत ही सिंपल है, क्विक लाइम। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी फेमस है कॉस्टिक पोटैश, एंड पर्लेस किसको बोलते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को। ठीक है, चलिए, बिल्कुल यहाँ पे 13th क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इनमें से किसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, ऑप्शन है नियोप्रीन, रेयन, आइसोप्रीन, टेरिलीन, किसको बोला जाता है? सेकेंड, लीना सक्सेना 13 का सेकेंड, उद्वास नाग सेकेंड ऑप्शन। और देख लेते हैं बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है। रेयन, 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 विवेक, रजत, असित, सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन, सेकेंड इज द करेक्ट, रेयन। ठीक है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, रेयन। रेयन को ही क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। ठीक है, नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन सिंथेटिक रबर के पॉलीमर को कहते हैं ना, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर है। ठीक है, ठीक है, सिंथेटिक रबर बनता किससे है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन से क्या बनता है? सिंथेटिक रबर, जिसको क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है? नेचुरल रबर। ये सब भी याद रखना है, आइसोप्रीन इज नेचुरल
रबर, ठीक है, नेचुरल रबर बनती किससे है, नेचुरल रबर बनती किससे है, आइसोप्रीन क्या है, आइसोप्रीन क्या है, नेचुरल रबर का मतलब एक आइसोप्रीन से ही नेचुरल रबर बनाई जाती है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, 2-methyl-1,3-butadiamine, ठीक है, 2-methyl-1,3-butadiamine, ठीक है, डाइईन होता है, 1,3-butadiene होता है, ठीक है, 2-methyl-1,3-butadiene, IUPAC नेम कहते हैं इसको, ठीक है, नेचुरल रबर कहते हैं, ठीक है, आइसोप्रीन। तो ये सारी चीजें भी याद रखेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल विपिन कुमार भी कर रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है, तो रियॉन करेक्ट आंसर है, लेकिन ये सारी भी चीजें जान लें। और टेरिलीन तो पहले ही बताया, टेरिलीन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, टेरिलीन अभी हमने डिस्कस किया था, क्या है ये, एक तरह से पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर का काम करता है, मतलब पॉलिएस्टर का दूसरा नाम टेरिलीन है, ठीक है, पीछे भी, और एक तरह से सिंथेटिक फाइबर, जिससे मैंने क्या बताया था, ऊन की गट्ठी बनती है, ठीक है। तो ये था लगभग आपका इस चैप्टर से क्वेश्चंस, ठीक है, केमिकल्स और पॉलीमर्स से लगभग यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा बहुत रटने वाली चीज है एज सच, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थोड़ा तो आपको चीजें समझने के साथ साथ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको नोट्स बना के और नोट्स के फॉर्म में इन्हें एक एक बार थोड़े थोड़े टाइम पे आपको रिविजन करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैक्स से मैक्स आप मॉक लगाइए, जितना ही मॉक लगाएंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ये सारी चीजें आपकी रिपीट होंगी बार बार, उतना ये सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस आज के लेक्चर में, ठीक है, एंड मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और आई होप कल की क्लास में और परसों की क्लास में जो भी होंगे वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है, तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के डिस्कस, ठीक है, तो सभी लोग को लाइव रहना है जो भी आज लाइव यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।